हिमाचल के CIA-1 पुलिस ने पिस्तौल के बल पर एक किसान से 6 लाख रुपए लूटने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 10 दिन पहले 5 अप्रैल की दोपहर राजोंद HDFC बैंक से पैसे लेकर घर लौट रहे किसान को पिस्तौल दिखाकर कुछ बदमाशों ने 6 लाख रुपए लूट लिए थे। इस लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CIA-1 परिसर में आज प्रेस वार्ता करते हुए DSP सुनील कुमार ने खुलासा किया कि उक्त आरोपियों को उधार के पैसे लौटाने थे, जिसको लौटाने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल की दोपहर छात्र निवासी सुरेश कुमार HDFC बैंक की राजू शाखा से 6 लाख रुपए निकलवा कर घर की तरफ जा रहा था, तो राजोंद टिखाना रोड पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी जांच CIA-1 को सौंपी गई थी। और CIA-1 पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि लूट के 3 आरोपियों बवाल निवासी संदीप उर्फ काला, बम्बेवा निवासी सुरेश उर्फ नीटू और मनदीप को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी के 2 आरोपियों को भी पहचान कर ली गई है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि रिकवरी के लिए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 I-20 कार बरामद की है, जिसे आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल किया था। मैं CIA-1 के इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकेश व उसकी टीम को बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत कम समय में इतनी बड़ी वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ये दिनांक 5 अप्रैल 2021 की बात है कि एक छत्तर गांव का निवासी सुरेश कुमार और उसका एक अन्य साथी, उसका भी नाम सुरेश कुमार था, वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर किठाणा HDFC बैंक से पैसे निकलवाने के आए थे लिमिट के। तो उस समय उस बैंक में, किठाणा वाले बैंक में पैसे उपलब्ध नहीं थे, तो जिस कारण से HDFC बैंक वालों ने उसको HDFC राजोंद में भेज दिया था। तो जैसे ही राजोंद से वो पैसे लेके निकले और मोटरसाइकिल पे चले, तो उनके पीछे एक I-20 गाड़ी में 3 व्यक्ति सवार थे, उन्होंने गाड़ी को पीछे लगा लिया। तो आगे 1.5 किलोमीटर आगे जाके रोहडा वाले रोड पे उन्होंने गाड़ी को रुकवा के और 2 बंदे नीचे उतरे, 2 अक्यूज, उनके हाथों में इलीगल वेपन थे, तो उन्होंने लूट 6 लाख रुपये इन्होंने निकलवाए थे। तो उन दोनों को 6 लाख रुपए लूट के और उनके जो मोबाइल थे, वो एक का मोबाइल तोड़ दिया था और एक का मोबाइल आगे जाके उन्होंने डंप कर दिया था। तो 6 लाख रुपए की लूट करी है उन्होंने। तो हमने इस संबंध में CIA की टीम ने तत्परता से कार्य करते हुए कल दिनांक 14 अप्रैल को बावड़ निवासी संदीप उर्फ काला, जो कि उसमें जिला सोनीपत में पड़ता है, और बम्बेवा जो कि जिला जींद में पड़ता है, उसके सुरेश व मनदीप को अरेस्ट कर लिया है इस संबंध में। तो इनसे रिकवरी के लिए हम रिमांड लेंगे और इनको जिला न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया जाए। तो तीसरा कौन सर गिरफ्तार किया जो ये रेकी का स्टाइल इनका ये होता है कि ये बैंक के ही आगे, जब इनको टारगेट करना होता है तो बैंक के आगे गाड़ी लगा लेते हैं, जो भी वहां से निकलता है। तो ये टाइम एट द टाइमिंग की मोडस ऑपरेंडी होती है, एट द टाइम ये डिसीजन लेते हैं कि किस कस्टमर के पास कितना कैसे, ये आइडिया लगा लेते हैं कि कोई बैग लेके निकला है या कोई ज्यादा कैश, उस हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं। तो सर गाड़ी का नंबर वगैरह भी चेंज, गाड़ी का नंबर जो उन्होंने लगा रखा था, हमारी तफ्तीश में ये आया है कि जो उन्होंने गाड़ी का नंबर लगा रखा था I-20 स्पेद कलर की I-20 थी, वो गुड़गांव का नंबर था, और तफ्तीश में ये पाया गया कि ये नंबर फर्जी लगा रखा था उन्होंने, जो उन्होंने कंप्लेन ने नंबर बताया। इस वारदात का खुलासा कैसे हुआ सर? इस वारदात का खुलासा CIA की टीम ने दिन रात मेहनत करके और CCTV कैमरेज की हमने मदद ली है, जिस रूट से उन्होंने वापसी गए थे, और हमारी इंफॉर्मेशन भी होती है, इंफॉर्मेशन के आधार पर प्लस टेक्निकल ग्राउंड से हमने उनको कल दिनांक 14/4 को कैप्चर किया। कितने आदमी गिरफ्तार हुए सर टोटल? अब तक इसमें 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक